हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग गाइड गैलरी। दिस साइड ऋषभ, और आज का वीडियो हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले नवदुर्गा और रमज़ान की आप सभी को मुबारकबाद। और जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से प्लीज़ आप मास्क यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, कहीं बाहर मत निकलिए, और सबसे अच्छा शौक करिए पतंग उड़ाइए, क्योंकि सबसे अच्छा शौक वही है लॉकडाउन का। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम अब आपको दिखाते हैं आज मोनू भाई हमारी शॉप पे आए थे, और उनसे मिलवाते हैं, उनकी थोड़ी मज़ेदार बातें आपको सुनवाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं अपने मोनू भाई। और हमारे पास दो अनबॉक्सिंग भी रखी है, एक एनआरके की रखी है। और शावेश भाई, ये किसकी अनबॉक्सिंग है? ये वाली, ये जो दूसरा कार्टन रखा हुआ है वो तो एनआरके का रखा हुआ है। ये अजीम इम्तियाज़ रखा हुआ है। तो जल्दी हम इन दोनों की अनबॉक्सिंग लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि अभी शॉप में काफ़ी सामान इधर उधर फैला हुआ है। जब तक उसको सही से नहीं लगा देते, और पैकिंग्स भी काफ़ी सारी रखी है, तो उनको डिस्पैच करना है, तो पहले वो सब करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी मैटर ये है, हम आपको उसके बाद फिर अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आपको अपने मोनू भाई से मिलवाते हैं। बादाम पट, कौन कौन से पट निकाल लो? बादाम पट और गोदाम पट, और तेज मारना सरियारिया नहीं, और मारना भरभरा मारते। अच्छा, सरियारिया ना तो भरभरा के मारते चले जाएं। कहाँ तक मारते चले जाएं भरभरा के? जहाँ तक गली गली हो दी। पतंग थपथपा कैसे काटे? जैसे हमने गुद्दा मारा, गुद्दा मार लिया। हाँ, गुद्दा मार दिया, गुद्दा मार लिया, नीचे तक मार लिया। हाँ। और नीचे तक। हाँ। जैसे तुम्हारे में वो पतंग पड़ी है। हाँ। वो थपथपा रहे, तुम भी थपथपाने चालू करो, थप 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 पुक। अच्छा, पुक थप 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 पुक पुक उछलेगा। अरे मोनू भाई आए हैं, बहुत डिमांड पे मोनू भाई को बुलाया गया है। मोनू भाई स्कूल जा रहे थे, स्कूल से सीधे कहाँ स्कूल से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो मोनू? नहीं नहीं, ये बस्ता अपना लियो, बैग लियो, ये बैग लेके कहाँ से आ रहे हो? मोनू कहाँ से आ रहे हो? कोचिंग। अच्छा, कोचिंग गए थे। तो ये पतंग तुम कहाँ से लिया है मोनू? देखे, अच्छा कोचिंग जाते हो, पतंग लूट के लिया है साथ में? वाह। तो ये मोनू उस्ताद हैं। दस रुपए का भाई। हैं? दस का ये गुल्ला। कौन सा? चार वाला। कहाँ से दिया? हाँ ठीक है। मोनू 5 रुपए का यार वो। तो क्या? दस वाला रहता है ना ये? नहीं, वो 5 ही रुपए का है। पांच का काय बोले चलो, दस का। कौन से क्लास में पढ़ते हो मोनू? कौन से क्लास पढ़ते हो? सेकंड में। अच्छा, बस्ता कहाँ गया तुम्हारा? बैग, पतंग फट गया बेटा, बैग इधर रख दो, वो तुम्हारी बुक है। तो हमारी बुक का रखो रखो, बैग अपना इधर रख दो आराम से। अरे देखो क्या लिखा है इनके बैग पे, मोनू भाई के बैग पे लिखा है, खूब पढ़ें आगे बढ़ें, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। ये मोनू भाई का बैग है, और मोनू भाई आज सीधे कोचिंग से हमारे यहाँ आए हैं। बहुत दिनों से आप लोग मोनू भाई को देखने के लिए तरस रहे थे, तो मोनू भाई आ गए। मोनू भाई कुछ बताइए, ये पतंग कैसे लूटी है आपने? यार आई थी। हैं? आके हम जा रहे थे, पकड़ ली हमने। तो मोनू भाई कैसे लूट ली यार तुमने पतंग? अकेले थे, कोई था नहीं क्या वहाँ पे? कोई था ही नहीं। फिर तो एक लड़का था, बस वो ही लूटने की कोशिश कर रहा था, और लूट गया। इसमें तो इतना टेप लगा हुआ, उड़े ही कैसे पतंग ये? अब ये उसी के पास जाना पड़ेगा जो कंधे मारे। अच्छा, लाओ पतंग देखें अली, हम दूसरी पतंग तुम्हें दे दें मोनू क्या? हाँ। कोई और पतंग दे दें दूसरी? हाँ, कागज की दीजिए। खरीदोगे क्या? हाँ। कैसे हैं? हाँ है। कहाँ है? दे तो दिया। कहाँ दिया यार? पांच का गिल्लड दिया। अरे दिया भी नहीं, झूठ बोल रहे मोनू यार। ये रखा तू है? ये तो बहुत सारे पैसे ऐसे मेरे पास रखे हैं, तुम्हारे हैं क्या ये? ये मोनू तुम्हारे पैसे हैं ये? हाँ। क्या बात कर रहे हो यार? तो ये पतंग नहीं लोगे क्या ये वाली? ये दो, कोई अंकल जी अच्छी पतंग। तो कैसी पतंग दे दे? नीली दे दो। नीली दे दे। दादा मारोगे आज? नहीं मारोगे?
गुद्दा मारना गोदाम, गुद्दा मारना गोदाम पे, गोदाम पर। ये कौन सा पट है? गोदाम पट, नया पट निकाल दिया, नया पट निकाल दिया, गोदाम पट। वाह भैया, गुद्दा मारोगे गोदाम पे, गली में घुस जाता पट, यहाँ मारते तो गली में घुस जाता पट। अच्छा, यहाँ मारते हो गली में पट घुस जाता है, बड़ा खतरनाक पट मारते हो यार। पतंग कैसी मोनू यानी पतंग नच, जब नचते या तब मारते है, या नच नहीं रही जब नहीं मारते। अच्छा अंकल दी, आपने पतंग चिपका दी। कौन सी पतंग चिपका दी? ये देखो चिपका दी आपने, नारियल कलर की। नारियल कलर की? ये कौन सा कलर? अच्छा, अच्छा दियाली वाली, ये वाली कबूतर बना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कबूतर वाली पतंग तुमको अच्छी लग रही है क्या? उड़ाओगे तुम? हाँ। है? कैसे उड़ाओगे वाली पतंग? ये ना उड़ा लेंगे। 400 रुपए की पतंग है वो। 500 400 यार। हाँ, इरफान खानदानी साहब की पतंग है वो। कहाँ से लाए? लखनऊ से जाके लाए थे। लखनऊ से घर में बनी है? नहीं, लखनऊ से लाए हैं यार, इरफान खानदानी साहब की पतंग है। जानते हो इरफान खानदानी को? नाम सुना है कभी? है? हाँ। तुमने कभी पतंग उड़ाई इनकी? क्या उड़ाया? अद्धी उड़ाई, पौना उड़ाया उनका। क्यों, इरफान खानदानी साहब का तुमने अद्धी उड़ाया कि पौना? पौना। पौना उड़ाया है? नीला पौना। अच्छा, नीला पौना उड़ाया है। तो कैसे लगाया था? पौना हल्का था ज्यादा, उसमें से हल्का था। हाँ। हमें उनका तो सारा पतंग भारी होते हैं, उनका हल्का पतंग का होता है। नीला पतंग वाला पतंग हल्का था। तो आज बताओ कुछ, कोई नया पेच है तुम्हारे दिमाग में? आज कौन सा पेच लड़ाओगे? आज खींच के अब तो लाए हैं नई चक्की। नई चक्की हमसे? अच्छा, ये उस्ताद मुनू, उस्ताद ही करने लगे हो तुम बहुत ज्यादा इस टाइम पे पहलवान। सुबह आए तो दिखे नहीं आप। तो मेरी दुकान बंद थी, तुम कहीं और से लिया है, नुकसान करवा दिया तुमने मेरा। फिर कैसे क्या करें? अब मैं यार अजीब, मैं पूरी रात दुकान खुली रहती यार मेरी, शहरी में दुकान कल बंद हुई थी, शहरी के टाइम पे सुबह 4 बजे, रमजान में पूरी रात दुकान खोले रहते हम। हाँ, तुमने नुकसान करवा दिया। कितने की चरखी लाए हो? 300 की। 300 रुपए को तुमने मेरा नुकसान करवा दिया यार, गलत बात है ये। अब लाओ 300 रुपए हमारे तुम्हें। अब जाए उसके पास वापिस करें तो कर आओ यार, तुम दोस्त हमारे हो, सामान दूसरे के पास से लेकर आ गए। यार सुबह दुकान नहीं खुली थी आज, तो क्या करें यार? ये को थोड़ा इंतजार कर लेते, फोन कर लेते हमको। क्या नंबर है आपका? ये नंबर लिखा नहीं दरवाजे पे? इतना बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ है। ये कहो कि तुम्हारे पास फोन नहीं है, मेरा नंबर तो है, तुम्हारे पास फोन नहीं है। हम अपने पापा को उठा लाते घर से, पापा तो सो ही रहे थे। तो उनका फोन उठा लाते? पैसे कहाँ से लाए हो? वो सो रहे थे, उन्हीं के पास उठा लाए हो क्या पैसे भी? 300 रुपए? फिर झूठ बोल रहे हो तुम। पास थे? तुम झूठ बोल रहे हो पहलवान। ये पतंग लोगे 400 रुपए वाली? 400 300 का तो चरखा खरीद लिया, अब 400 कैसे करेंगे? अरे तुम तो बदी लड़ाओगे ना, जीत लेना 2-4 पट मार देना किसी के, 200 रुपए बच के 600 रुपए आ जाएंगे। तुमको कौन सी दिक्कत वाली बात है? तुम्हारे पास तो माल आता रहता है ना। 3000 का तभी तो काम हो गया इधर। 3000 रुपए कहाँ काम कर लिया तुमने? वही काम करना था, पट का काम था। तो क्या करना है बताओ फिर? गलीम पट मारा, बादाम पट पड़ गया भट। बादाम पट? अब कौन कौन से पट निकाल लो, बादाम पट और गोदाम पट। अभी गोदाम पट, अभी गोदाम पट था, बादाम पट निकाल दिया। ये बादाम पट कौन सा होता है? यहाँ घुसोगे तो खींचना नीचे के, नीचे तो खींच दो। अच्छा, नीचे तो खींच दो, तो ये तो खींच हुई है, पट कहाँ हुआ? पट तो ऊपर से मारा जाता है। ऊपर से घुमाओगे नीचे पट मारते, कहीं कूद रही पता, नीचे घुमाओगे मारते खींच ले जाओ इधर की। अच्छा, नहीं नहीं, पट तुम निकालते हो और तेज मारना सरियारिया नहीं, और मारना भरभरा मारते। अच्छा, सरियारिया नहीं तो भरभरा के मारते चले जाए? कहाँ तक मारते चले जाए भरभरा के? जहाँ तक गली गली हो जाए। तो पतंग थपथपा कैसे काटे काटे? जैसे हमने गुद्दा मारा, गुद्दा मार लिया। हाँ, गुद्दा मार दिया, गुद्दा मार लिया, नीचे तक मार लिया। हाँ। और नीचे तक। हाँ। जैसे तुम आए में वो पतंग पड़ी है। हाँ। वो थप पार, तुम भी थप मान चालू को, तो आप थप 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 पुक।
अच्छा पुक थप 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 पुक पुक उछलेगा। अरे गजब रे गजब, ये पेज तो बड़ा शानदार तुमने बताया। अच्छा अगर वो थपकी मार रहा हो तो हम गिद्धा कैसे मारे ये बताओ। अच्छा वो थपकी मार रहा गिद्धा मारना ना चाहो, नीचे को मारते चले जाओ, जैसे वो पड़ नीचे वो भी मारे, ढील छोड़ दो पक। अच्छा ढील छोड़ दो मतलब डोर फेंक दे, डोर फेंक के फिर क्या करना है? वो कुछ खींचता चला जाएगा तो पक उछल जाएगा। अच्छा अच्छा देखो वो खींचने लगा फिर बाद पक। अच्छा उड़ जाएगा ये है जाएगा। ये पेज तो यार बहुत अच्छा तुमने आज बताया। तो जिन लोगों को ये पेज ना आता हो उनको सिखा दो पेज, उनको बताओ कैसे लड़ाया जाता पेज। अरे अंकल जी जल्दी दे दियो ना, शाम हो जाएगी। शाम कहाँ हो जाएगी, कल लड़ा लेना। कल लड़ा लेना अब कहीं रहे हो। अबे यार मोनू इतने दिनों के बाद आए हो, कुछ बातें बातें करो, खैर खबर लो हम लोगों की। यार कैसे आदमी हो तुम, आज एक हफ्ते के बाद आए हो मेरे पास शक्ल दिखाने, और ये बस्ता वस्ता लेकर आए हो अपना, और भागने की इतनी जल्दी मचाए हो। यार क्या कैसे लड़ाना है तो लड़ा लेना, कल लड़ा लेना। सुबह लड़ाना है क्या? सुबह का पेज उतना लगा देते मंजर, फिर भी खरीदना है तो मंजा खोल लेना। मंझा हमसे तुम ले जाना ना यार, मंझा तुम्हें अभी दे रहे हैं फ्री में, रुको काहे परेशान हो रहे हो। दे रहे हैं अभी, वीडियो तो कम्प्लीट करो पहले अपना। अब हंसो तो मंजे का मंजा फ्री मिलेगा, दांत तो दिखाओ देखें। मोनू उस्ताद बहुत बढ़िया आदमी हो यार तुम। और पतंग अतंग भी चाहिए? हाँ। पतंग फ्री लोगे कि मंजा फ्री लोगे ये बताओ? मंजा। मंजा फ्री लोगे, चलो ठीक है। एक चीज आज हम तुमको फ्री, ठीक है। और बताओ अब कुछ नहीं चाहिए। मंजा कौन सा लोगे? खींच का। खींच का? खींच का नहीं तो पटका दे दो। पटका? ये पटका कौन सा मंजा होता भैया? पटका तो होता ही है, देख ही नहीं आपने, ये लोग गेट पे लटके जा रहे हैं, हाथ टूट जाएगा। अच्छा पतंग कभी लिपटाई है तुमने? हमने चाइना से लपेटी है। लपेटी है? चाइना से। कैसे लपेटी जाती है? देखो लैलून से लपेटना तो ढील दिखाओ। हाँ ढील दिखाओ। ढील जैसे पड़ी उसके पतंग ढील छोड़ दो, नहीं नचाना नहीं होता है, नचा के लिपटाई जाती पतंग तो। नचाई जाती है? नचाते हुए उसके ढील दिखाते रहो, नचती रहे तुम्हारी पतंग, ढील दिखाते रहो, ढील दिखाते रहो, नचेगी तुम्हारी पतंग, नचती 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 नीचे आई। अच्छा जैसे उसकी पतंग टाइट हो फंस जाओ, खींचते लियो। अच्छा जब उसकी पतंग टाइट हो जाए समझ लो फंस गई है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना उतार लो। हाँ यार सही बात है, ऐसी लिपटाई थी पतंग, बिल्कुल सही तुमने बताया। अच्छा अभी मोहल्ले में, अभी मोहल्ले में उन्होंने सुफियान लोगों ने टूर्नामेंट कराया था, तो तुम कहाँ थे? टूर्नामेंट तुमने नहीं लड़ाया मैच? हाँ मैच में लड़ाया था। इन लोगों ने अभी टूर्नामेंट कराया है पतंग का, 27.5 पतंग का 27.5 लड़ी है मजोली सब, मजोली मजोली का टूर्नामेंट हुआ था, और उन्होंने पतंग की ट्रॉफी रखी थी और कोल्ड ड्रिंक रखी थी, 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक। अच्छा तुम्हें इन लोग समझ नहीं पाते तुम्हें कि तुम इतनी अच्छी पतंग लड़ा लेते हो, हैं इन लोग आते आते ये देखो एक लड़के पकड़ा दी नंदा घुस गया। हाँ। हमने पटक दिया फक, वो भी उछल गया। अरे दोनों एक साथ उछले, हम भी उछले वो भी उछले, बराबर हो गया पेच। तो कटा कौन जीता कौन? काटा हमने था पहले। अच्छा तुमने काटा पहले उसको, फिर उसका पतंग तुम्हारा पतंग साथ में चला गया, बराबर हो गया है? अच्छा तुम देख नहीं पाया उसको, तुमने काट दिया उसकी डोर तुम्हारे में पड़ी थी, तुम्हारी भी चली गई साथ में, टूट के मेरी भी चली गई साथ में। हाँ ये हो गया होगा। वैसे तुम्हारी समय चर्चा बहुत है हर तरफ कि मोनू बहुत खतरनाक पतंग लड़ा रही, उधर लड़ा रही, तू लड़ा रहा है श्रीराम से, लड़ा रहा श्रीराम बदीबास से। अच्छा श्रीराम बदीबास से लड़ा रहा, तुम्हें लोग बुलाने आते होंगे पतंग लड़ाने के लिए? कौन कौन बुलाने आता तुमको? हमारे कोई आता घर नहीं बुलाने, बाहर होंगे। अच्छा बाहरी बार तुमने सबसे कह दिया हमको बाहरी बार बुलाया करो, घर में बुलाने ना आया करो, है घर में बुलाएगा मम्मी चिल्लाएंगी। अच्छा तो पतंग जब लड़ाने कहाँ आते हो, पार्क में लड़ाते हो कि यहीं कहीं लड़ाते हो? छत पे? मैदान से लड़ाते। अच्छा मैदान से लड़ाते हो, कौन से मैदान? सही रहता सर्दी छूटती नहीं, छूट गए
अच्छा मंजा तोड़ लिया जाता सद्दी वापस आ जाती है ये चीज है। मंजा तोड़ लेते तुम्हारा पतंग कट जाता तो बच्चों से कहते हो मंजा तोड़ लो। कोई पकड़ लेता कहते हैं तो मंजा तोड़ लो। सद्दी सद्दी छोड़ दो सद्दी तोड़ी कहां पाएंगे हाथी में पड़े जाएगा मंजा कैसे तोड़ नहीं पाएंगे मंजा टूट ही आएगा सद्दी तोड़ के दिखा दो तुम हम तोड़ देंगे सद्दी। अरे वो बहुत बड़ा बदीबाज है तुम उसको भी नहीं जानते हो। मोनू उस्ताद का नाम चल रहा है। मोनू उस्ताद को तो पूरी दुनिया जानने लगी है। कौन सी पतंग चाहिए यार बताओ मोनू यार तुम्हें पतंग दे। किससे लड़ाओगे आज? अच्छा घर से तो तुम पढ़ने के लिए निकले हो पतंग उड़ाने जा रहे हो रास्ते में। वाह भाई वाह ये बस्ता लेके कहाँ जा रहे हो अपना? अब जाएंगे बस्ता जाएंगे घर पे रखेंगे फिर लड़ाएंगे पार लड़ाओगे। ये पतंग कैसा है? मोनू बहुत अच्छी पतंग लड़ाता है यार तुम्हें क्या मालूम। मोनू पतंग पतंग चेक करो तो कोई कमी तो नहीं पतंग में? दब रही। किधर दब रही है? सही कर लो उसको उधर उधर दिखा के सही करो उधर। हाँ सही करो उधर दब रही थी। वाह सही हो गई पतंग। अब ये कैसी चलेगी पतंग? सही चलेगी पतंग। तीर चलेगी तीर कौवा पतंग तो नहीं यार मेरे पास कौवा बिरयानी है मेरे पास। कौवा पतंग रखो। कौवा बिरयानी खाई तुमने कभी? कौवा बिरयानी खाई? कौवा बिरयानी हमने खाई नहीं है। तो कौन सी बिरयानी खाई तुमने? मुर्गे की। हाँ मुर्गे की खाई है। हाँ कैसे खाते हो? बकरे की। अच्छा ये पतंग कहाँ से लड़ाओगे? ऊपर से लड़ाओगे नीचे से लड़ाओगे? नीचे से लड़ाओगे। है मैदान से लड़ाओगे? तो जाओ फिर जल्दी जाओ क्योंकि फिर अंधेरा होने वाला भी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो फिर तुम लड़ा नहीं पाओगे पतंग यार। अरे जल्दी दोगे पहले? दे तो दिया और कैसे दें? जाए मंजा लोगे? हाँ लाओ मंजा दे। चलो करो जल्दी ली चौवा करो मोनू करो करो चौवा जल्दी ली। कैसा मंजा मोनू? सही है देखा दार देखूं मंजा कर रहा मंजा है एकदम कैसा है? कैसा मसाला है इसका? देखो तुम बताओ ना कैसा मसाला है। अरे हो गया मोनू लड़ाने भर का तुम्हारा हो गया लड़ जाएगा इतने में अच्छा मसाला नहीं हो पाया। अबे यार इतना यार लूटो नहीं यार हमको तुमको पतंग भी हमने दे दी सस्ती बस उड़ो। चलो ठीक है तोड़ो 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 क्या लगाएंगे पतंग। चलो ठीक है मोनू भाई बाय। चलो अच्छा ठीक है बाय बाय बाय। तो जैसे कि हमने आपको मोनू भाई से मिलवाया मोनू भाई की कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनवाई हमने आपको तो आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप सब बहुत प्यार देते हैं हमें। और सॉरी उस चीज़ के लिए कि हम कभी कभी फ़ोन नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है हमारे लिए कि कस्टमर से डील करना उसके बाद फ़ोन उठाना। बट हमारा ट्राई ये रहता है कि हम सभी को एकदम सैटिस्फाई करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं और आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। कुछ भी आपके पास अगर एडवाइस हो हमारे लिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में डाल सकते हैं हम उसको भी चेक करेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय गाइज़ बाय 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 बाय।